लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन में सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। 9 मार्च की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। ये बातें जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने प्रत्याशियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू है, अगल बगल के जिलों को भी सतर्क कर दिया गया है। इस बैठक में प्रेक्षक डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे, डॉक्टर सुबोध कुमार, मंजुनाथ और अशोक देवान भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए सभी SDM पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ साथ थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है। इसके लिए वीडियो टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम का भी विधानसभा वार गठन किया गया है। 50,000 रुपये से अधिक धनराशि लेकर चलने पर कागजात दिखाना होगा। इसके साथ ही असलाह, मादक पदार्थ, शराब आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि प्रचार कार्य की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम खोला गया है, वहां से जुलूस, रैली, जनसभा, वाहन, स्पीकर आदि की अनुमति ली जा सकती है। सभी प्रत्याशी अपना चीफ इलेक्शन एजेंट नामित कर दें। बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, ADM व उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभुनाथ, ADM सिटी रजनीश चंद्र, सभी SDM और प्रत्याशी भी मौजूद थे। और मेरे साथ जो भारत निर्वाचन आयोग से हमारे माननीय प्रेक्षक आए हुए हैं, उनका मैं परिचय कराता हूँ आपसे। प्रदेश के IPS अधिकारी हैं और आप पुलिस ऑब्जर्वर सुबोध कुमार हैं, आप तमिलनाडु कैडर से हैं, IAS अधिकारी हैं 2010 बैच के, और आप भी जनरल ऑब्जर्वर हैं यहाँ बैठक में। तो इस बैठक में क्योंकि पहली बैठक आप लोगों का जो कल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की जो लिस्ट फाइनल हुई है 13 तारीख से, वो कल समाप्त हुई और हम लोग कर रहे हैं। तो इस बैठक में आप लोगों को आउट करने का उद्देश्य ये है, केंद्र का भाग है, तो किस प्रकार से हम लोग निर्वाचन की पूरी प्रक्रियाओं की शुचिता को बनाए रखें, हम इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, उसके बारे में एक आपसी बातचीत, एक विचार विमर्श वो आवश्यक है। कुछ चीज़ें जो हम लोग आगे करेंगे वो बताऊंगा, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो हमारा पूरा जो प्रक्रिया का स्वरूप है वो इस प्रकार रहेगा के लिए गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में चले गए हैं और आप लोग इस बात को जानते ही हैं, क्योंकि हमारा ये इलेक्शन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में बैलेट पेपर्स को छापने की जरूरत नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से छप के आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर इनको जो हमारे EVMs में जो बैलेट यूनिट्स होती हैं उसमें हम लोग इनका सेटिंग करते हैं। जो हमारी आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसके जो 5ों के ARO हैं उसकी जगह भी नोटिफाई हमने की है, और हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को निष्पादित करेंगे